हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज के डे थ्री पर। डे टू और डे वन के वीडियोस को देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे मलाल कर रहे थे कि हमने प्री बुकिंग का बेनिफिट क्यों नहीं उठाया, और उन्हीं की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक कूपन कोड आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। आप प्रेप ऑनलाइन ऐप पर जा सकते हैं और इस कूपन कोड PHY25 को अप्लाई करके 25% ऑफ पा सकते हैं मोस्ट वांटेड सीरीज के ऊपर। और बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि ये कूपन कोड जो है वो काफी लंबे समय तक अवेलेबल शायद नहीं रहेगा, राइट। खैर, आज डे थ्री पर हम पढ़ने वाले हैं मोशन। असली फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, और मोशन को बिना वेक्टर्स को पढ़े नहीं समझा जा सकता, तो क्यों ना वेक्टर्स के साथ इस आज के डे की शुरुआत करी जाए, राइट। पहला कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने से ही सब कुछ पता चल जाता है, जैसे मास, जैसे एनर्जी, राइट, जैसे लेंथ हो गई, राइट। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें तब तक नहीं मिलती जब तक उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी ना बताई जाए। जैसे फोर्स, आप अपने किसी फ्रेंड के ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और पूछते हो कि बताओ मेरा फ्रेंड किस डायरेक्शन के अंदर गिरा होगा, तो आप तब तक ये नहीं बता सकते जब तक आप अपने फ्रेंड के ऊपर लगाए जाने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी ना बताओ, राइट, कि आपने पीछे धक्का लगाया है, आगे खींचा है, या खोपड़ी के ऊपर मार के उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया है। खैर, तो एक खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्केलर क्वांटिटीज, जब जैसे सपोज करो एक बॉक्स है आपके पास में और उसमें आपने एक 5 kg की बॉल रखी और एक 3 kg की बॉल रखी, और आपसे कोई पूछे कि बताओ बॉक्स के अंदर टोटल मास कितना है, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप एल्जेब्रिक सम को यूज कर सकते हो। 5 + 3 = 8 kg मास होगा, आप आसानी से बता सकते हो। बट वहीं अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हो तो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने 3 N का फोर्स लगाया है और इस डायरेक्शन से 4 N का फोर्स लगाया है, और आपसे कोई पूछे कि बताओ ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप 3 + 4 = 7 N डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते, आपको वेक्टर एडिशन ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके बारे में अपन सीखेंगे थोड़ी देर बाद में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है, आई होप आपको सबको पता होगा। करंट जो है, हालांकि दिखने में वेक्टर जैसा है, बट आपको याद रखना है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट के साथ वही वाला लफड़ा है कि करंट इस डायरेक्शन से आ रही है 5 A और इस डायरेक्शन से आ रही है 4 A, तो इस डायरेक्शन के अंदर, या आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, वायर है मतलब, ये डायरेक्शन नहीं है, तो इस वायर के अंदर टोटल करंट कितनी होगी, डेफिनेटली 9 A करंट होगी। KCL के बारे में आई होप क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। तो करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम के द्वारा क्या करा जा रहा है, उसको रिजल्टेंट करंट को फाइंड आउट किया जा रहा है, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो वी यूज एरोज टू रिप्रेजेंट इट, राइट। खैर, अब इतनी बात हमें पता चल गई तो हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सब लोग यूज करते हो, राइट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, राइट। और इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसको आप ओरिजिन से जब मिलाओगे इस तरीके से, तो वो पक्का किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सारी की सारी दुनिया की जितनी भी तमाम डायरेक्शन है वो आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बना सकते हो। तो इस पॉइंट जिसका एड्रेस है x, y, z, इसका ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, राइट। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एरोज का यूज किया है, और एरो हमें दो इंफॉर्मेशन दे देती है। एरो हेड हमें बता देता है कि किस डायरेक्शन में है वो वेक्टर क्वांटिटी, और एरो की लेंथ हमें बता देती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इतनी बात अगर आपको पता पड़ गई तो आप उसको लिखना भी सीख जाओगे। हम नॉर्मली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप और के कैप, उनका यूज करते हैं किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपनी नोटबुक के अंदर, राइट। तो हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कोई नंबर होगा वो आई कैप से मल्टीप्लाइड होगा, कोई नंबर होगा जे कैप से मल्टीप्लाइड होगा, कोई नंबर होगा जो के कैप से मल्टीप्लाइड होगा। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को लिखा हुआ पाओगे इन जनरल, और जब आपको वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे तो आप आसानी से उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ ax² + ay² + az² यानी कि आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर।
यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड जो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट कहलाते हैं इस वेक्टर के, राइट। और अगर आप आगे जाओगे तो आप इस वेक्टर के द्वारा जब इसको आप ओरिजिन पर लाके रखते हो, वैसे तो कहीं भी हो सकता है बट ओरिजिन पर लाके रखते हो, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल हैं तो कॉस अल्फा जो होगा वो पक्का ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। ध्यान रखना आपको कॉस बीटा ए वाई अपॉन सेम पैटर्न और कॉस गामा ए जेड अपॉन सेम पैटर्न। तो आप कभी भी ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी वेक्टर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। एक खास बात, अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालोगे ऐड करोगे तो आप देखोगे कि कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो इसका यूज कैसे किया जा सकता है, कई बार आपको अल्फा और बीटा दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और वहां पे आप अपना सर खुजलाने लगते हो, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके पास में ये आइडेंटिटी अवेलेबल है, राइट। कई बार आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा साइन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है और जिसने ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको आती होगी, वो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इधर टोटल 3 हो जाएगा। उसको आप उधर भेजोगे तो 3 माइनस 1 कितना रह जाएगा आपका 2 रह जाएगा, राइट। तो आप आसानी से इस रिजल्ट को हासिल कर सकते हो। सो ये कुछ रिजल्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हमें कहां से मिल रही है, जस्ट केवल हमें वेक्टर दे दिया गया अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में। और हमें क्या पता पड़ेगा, वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से वेक्टर्स हमें दिए जा सकते हैं। एक तो हमें दिए जा सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, अभी अभी मैंने बताया था एक वेक्टर दे दिया जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, एक दे दिया जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, और पूछा जाएगा कि बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कॉफिशियंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसको इसको ऐड कर दिया आई कैप के साथ चिपका दिया, इसको इसको ऐड कर दिया और जे कैप के साथ चिपका दिया और जेड जेड को ऐड कर दिया और के कैप के साथ चिपका दिया। तो इस तरीके से जो नया फ्रेश ब्रांड न्यू वेक्टर मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब अपनों को वेक्टर्स इस फॉर्म में ना देखे, अलग अलग इंडिविजुअली उनके मैग्नीट्यूड दे दिए जाए और उनके बीच में बनने वाला एंगल दे दिया जाए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान से सुननी है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो हमेशा 0 से 180 के बीच में लिया जाता है, राइट। और हमेशा वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए या तो आप हेड टू हेड रखते हो दोनों वेक्टर्स का, या टेल टू टेल मिला के रखते हो। हेड टू टेल या टेल टू हेड मिला के रखोगे और फिर जो एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा वो बेसिकली उन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज करो 130 डिग्री है। मैंने पूछा कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, जिसको आप आगे फॉर्मूलाज के अंदर यूज करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट 130 को ही क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, बट उनको सर की बात याद आनी चाहिए। सर ने बताया था कि वेक्टर्स को क्या रखना होता है, या तो हेड टू हेड रखना होता है या टेल टू टेल रखना होता है। तो यहां पर इसका सर इसकी पूंछ से मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, ऐसे यहां पर बना देंगे इस तरीके से। अब आपने वेक्टर्स को स्पेस के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बस आगे तो किसका है। तो अब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो थीटा कहलाएगा, और 180 में से 130 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट, इसकी वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब अपनों को मैग्नीट्यूड्स और एंगल दे रखे हो तब हम क्या करेंगे, तब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। रूट पहले का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसे ही अंग्रेजी में ध्यान रखा करो, फॉर्मूलाज आसानी से याद हो जाते हैं। डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कोई पूछे कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे ध्यान रखोगे, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो उसको यहां पर अकेला तनहा लोनली बिठाना है, राइट, और ऊपर साइन और नीचे कॉस होगा क्योंकि आप कौन सा इनवर्स यूज कर रहे हो, टेन इनवर्स यूज कर रहे हो। तो इस तरीके का जुगाड़ लगा के आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हो। कोई पूछे ये कितना एंगल बनाएगा ए के साथ, तो आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे प्लस की जगह कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जहां जहां कॉस वाली टर्म है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है।
ये भी वो सेक्शन है जहां से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं केवल और केवल अपनी इग्नोरेंस की वजह से। कुछ स्पेशल चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने एलजेब्रिक सम ही कर दिया, बट ये इस स्पेशल कंडीशन में लगे है। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो, एक इधर की तरफ जा रहा हो और एक इधर की तरफ जा रहा हो, तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और वो ए माइनस बी, लार्जर में से स्मॉलर को आपको माइनस करना है, उसके इक्वल हो जाएगी। राइट, रिजल्टेंट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स, दो सिमिलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस तरीके से निकालोगे आप? तो वैसे तो आपने फॉर्मूला देखा था उसमें ए स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर रख देना और पूरी की पूरी डेरिवेशन कर सकते हो, बट हम नीट के लिए अपियर हो रहे हैं तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आर जो होगा वो 2 टाइम्स a टाइम्स cos θ/2 होगा। तो हमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड किसी का भी दे दो, दोनों इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल दे दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन के अंदर लगाए जाने वाले एफर्ट को बहुत कम कर देगा ये फॉर्मूला। रिजल्टेंट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज ऑल्सो सेम इफ एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। अब जो पिछला फॉर्मूला है उसमें थीटा की जगह 120 डिग्री रख के देखो तो आर भी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो सिमिलर वेक्टर्स अगर एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी कितना होता है, सिमिलर मैग्नीट्यूड वाला होता है। और वो कहां से गुजरता है, उनके एंगल बायसेक्टर से। सिमिलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा एंगल बायसेक्टर से गुजरेगा। ऐसे डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर वेक्टर कोई पूछे तो वहां पे कॉस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 2a sin θ/2। और कोई पूछे कि डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑल्सो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जैसे वहां पे 120 डिग्री था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, आप रख के देख सकते हो। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे क्या करा है, पॉइंट आउट किया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो काफी हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, अब देखना आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो मैंने बताया था 0 होने पर रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कितना, 7 न्यूटन। आई होप सबको आ रहा होगा ये क्वेश्चन। राइट, 180 डिग्री पे मैंने बताया था दोनों का डिफरेंस कर दो तो 4 में से 3 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। और 90 डिग्री पर, राइट, 90 डिग्री पर कॉस थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आर हो जाएगा केवल और केवल पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, बट कॉस 90 जो होता है उसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 0 डिग्री होती है कॉस 90 की वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो केवल और केवल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो 90 डिग्री के केस में आप ध्यान रख सकते हो रिजल्टेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, √a² + b² के इक्वल होगा। एक कुछ नहीं है आपकी वही जानी पहचानी पाइथागोरस थ्योरम है, राइट, इसको भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इसको देखते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड पे हम फॉर्मूला लगाया करते थे 2a cos θ/2। हमें ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, राइट, और थीटा कितना दे रखा है, 60, तो यहां पे आ जाएगा कॉस 60 डिग्री/2, दैट इज 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5√3। ठीक है, बच्चों की शिकायत आई थी कि थोड़ी थिकनेस ज्यादा करो, जो हुकुम मेरे आका, राइट। खैर, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से मैंने बताया था बहुत कम हो जाएगा आपका एफर्ट, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कराया और आपका एफर्ट जो है वो बहुत कम हो गया। इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बायसेक्टर से गुजरता है, तो किसी भी वेक्टर से आप एंगल निकालोगे तो 60 का आधा कितना आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप बोलोगे सर रूट भी होता है, वो तो आपने लगाया नहीं, दोनों तरफ रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, लगा देता हूं आपकी खुशी के लिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा,
फिर उसके बाद में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी लिख लो, राइट। फिर यहां पे आप देखोगे 2ab से 2ab भी कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा केवल और केवल cos थीटा और यहां पे बचेगा केवल और केवल माइनस cos थीटा। इसको इधर लाओगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अब इसको एज अ रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हो कि दो वेक्टर्स का अगर एडिशन और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो डेफिनेटली वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर होंगे, 90 डिग्री एंगल पर होंगे, राइट। इस तरीके की चीजें आप फिर डायरेक्ट ढूंढ सकते हो क्वेश्चंस के अंदर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। एक वेक्टर को रिजॉल्व करना भी सीख लो, ये बहुत काम आएगा। तो कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है, आप कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले सकते हो, नॉर्मली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन चूज करते हैं, तो थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो हमेशा ए कॉस थीटा होगा, और इधर वाला जो कॉम्पोनेंट होगा जो बच गया वो हमेशा ए साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा। ये कई बार अपन यहां पे भी बना देते हैं, राइट। तो एक वेक्टर को आप चाहो तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर रिजॉल्व कर सकते हो, फिर इसको गायब कर देना, फिर ये दो अलग अलग वेक्टर्स आ गए। ये आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है, आपको क्वेश्चंस के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। जैसे अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो एक फोर्स है और वो 60 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने 60 डिग्री के ऊपर बता दिया। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 40 न्यूटन, तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होगा, एफ कॉस 60 डिग्री, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 40 न्यूटन। कॉस 60 की वैल्यू सबको पता होगी कितनी होती है, 1/2, तो एफ हो जाएगा 1/2 का 2 उधर ले जाएंगे तो 80 न्यूटन हो जाएगा, राइट। अब कोई पूछे कि बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन 60, और अब हमारे पास में एफ की वैल्यू है तो 80, और साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, 2 से 80 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 40√3, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्रों में कई बार गलतियां हो जाती है छोटी मोटी, तो आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करते रहा करो, राइट। और अगर कुछ भी हो तो मेंशन किया करो। फॉर शोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑफ द डायरेक्शन टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट इन ईस्ट डायरेक्शन। तीन वेक्टर है यहां पे, एक 4 है, एक 5 है और एक 3 है। अब आपको ये कह रहा है कि आपको एक चौथा वेक्टर अप्लाई करना है और उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो आप कई तरीके से कर सकते हो, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि तीन तो ये और चौथा वो, इन सब का मिला के जो रिजल्टेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आ जाए। अब यहां पे हम दिमाग ही लगाएंगे कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपन क्या कर लेंगे, सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। फिर जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वेक्टर्स हैं उनको केवल और केवल अपन रखेंगे, बाकी सबको अपन क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 का इस डायरेक्शन के अंदर कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 5 cos 37 हो जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कितना हो जाएगा, 5 sin 37 degree। सबको ये वाला ट्रायंगल पता है, 53 degree एंगल हुआ करता था, ये 5 होता था, ये 3 होता था, ये डेफिनेटली 7 होगा, ये 4 हो जाएगा। कोई पूछे बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, आप डायरेक्ट बता सकते हो सर 3/5, तो यहाँ पे 5 × 3/5 करोगे, 5 से 5 कट जाएगा और कितना बचेगा, 3 newton बचेगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि आपका बाकी सारे वेक्टर आपने रिजॉल्व कर लिया ना, तो बाकी सब ईस्ट के अंदर आ गए, केवल और के लिए 3 newton, और ये जो 3 newton इसका कंपोनेंट है ये दोनों नॉर्थ के अंदर है। तो अगर आप इनके इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, इनके इक्वल का मतलब है ये दोनों 3 + 3 कितने हैं, 6, तो 6 newton का फोर्स अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दो तो ये इन दोनों को बैलेंस कर लेगा, और अल्टीमेटली आपका टोटल वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर रह जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रह जाएगा। ये बंदर बांट एक तरीके से, कि आपको अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वेक्टर्स को बांटना था और केवल एक डायरेक्शन में आपका टोटल रिजल्ट जाना चाहिए, वो ही आपने किया है, कि बाकी सारी डायरेक्शन के अंदर क्या कर दिया, आपने कैंसिल आउट कर दिया अपनी तरफ से चीजों को बायस्ड करके, अपनी तरफ से 6 newton का फोर्स लगा के। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन वेयर यू कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर। आई होप यू गॉट इट राइट। वेक्टर्स के बारे में दो चीजें और ध्यान में रखनी है, वो है उनका प्रोडक्ट। व्हेन ए बी और थीटा, वही है, दो तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया जाए,
तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस थीटा, आई होप सबको पता होगा। और जब ए और बी कार्टेशियन फॉर्म में दे दिए जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए डॉट बी अगर जीरो हो यानी कि कॉस थीटा डेफिनेटली जीरो होगा, और कॉस थीटा जीरो तब होगा जब थीटा कितना हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए। देखो ए डॉट बी जीरो होने की तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, या ए और बी दोनों नॉन जीरो हो बट उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। अब इसको हम रिवर्स के अंदर यूज करते हैं, जब भी कोई पूछे कि बताओ दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो और देखो अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वो 90 डिग्री के ऊपर होंगे। कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो आप कह सकते हो कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, राइट। सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसे आई डॉट आई जे डॉट जी के डॉट डी के करोगे इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा। आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई 90 डिग्री पर होंगे, राइट, तो इनका 0 हो जाएगी वैल्यू। ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है बशर्ते दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो, और ए डॉट बी नेगेटिव भी हो सकता है, शर्त यह है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है या ए और बी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, अब कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है कि एंगल नहीं दिया जाता दोनों वेक्टर्स के बीच का, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप स्केलर प्रोडक्ट को यूज करके निकाल सकते हो। अगर आपको ए डॉट बी पता है और ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आपको ए और बी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड वी जेड आपको पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कुछ नहीं है, ए डॉट बी की वैल्यू रखी है, ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है। कई लोग इतना बड़ा फॉर्मूला देख के गिव अप कर देते हैं, फॉर्मूला बड़ा होने का मतलब यह है कि आपको जस्ट केवल यहाँ से यहाँ कन्वर्जन करना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना है। और ये भी कहाँ से आया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से आया, राइट, मैं ए बी को नीचे ले गया और कॉस को उधर ले गया तो कॉस इनवर्स बन गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए ऑन बी, तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, प्रोजेक्शन बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, बट किस पर निकाला जा रहा है उस पर हम रख देते हैं उसको, राइट। जैसे ए का प्रोजेक्शन बी पर फाइंड आउट करना है तो हम ए डॉट बी को किस पर रख देंगे, बी पर रख देंगे, राइट। अगर ए पर निकालना होता तो ए पर रख देते, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये प्रोजेक्शन वाला काम हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। 4i कैप प्लस अल्फा j कैप माइनस 2k कैप, और बी आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। तो हमें पता है कि a और b परपेंडिकुलर केवल और केवल तब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए 0, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 अल्फा, और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6, 6 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि अल्फा कितना होना चाहिए माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज माइनस 2। इतना आसान है ये क्वेश्चन, राइट, घबराने की जरूरत नहीं है। इफ वेक्टर ए कैप, नॉर्मली ए कैप यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है, प्लस 2 बी कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। तो देखो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम तो बस इसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो 5 तो बचा रह जाएगा, और a डॉट a कितना हो जाएगा, मैंने बताया था सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, a कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 4 a डॉट a कैप डॉट b कैप आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितने आ जाएंगे 10, और वही a कैप डॉट b कैप, ऑर्डर मायने नहीं रखता, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 2 ऐड मल्टीप्लाई होकर माइनस 8 हो जाएंगे, और वही बी डॉट बी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 5 है और ये माइनस 8 है, तो माइनस 8 और प्लस 5 अगर आप करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, उसको अपन उधर ले जाते हैं, और ये 10 माइनस 4 करोगे तो 6 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप रह जाएगा, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा, मैंने ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया है, राइट, इज इक्वल टू 3, यानी कि कॉस थीटा कितना आ जाना चाहिए आपका 3 बाय 6 दैट इज 1 बाय 2, तो थीटा 1 बाय 2,
cos थीटा 1/2 कब होता है आपको पता है सबको, 60 डिग्री के ऊपर होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 60 डिग्री आ जानी चाहिए। जिनको अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परेशानी हो रही है, मैं रिकमेंड करूंगा कि डे वन का वीडियो देखें, उसके बाद में आपको नहीं होगी ये परेशानी, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। उसका इसके अलोंग आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये एक तरीके से प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है, तो आपको इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये प्रोजेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। किस पर फाइंड आउट करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है राइट, और मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीखा था इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/√, ठीक है। तो हमने कॉम्पोनेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप, आई कैप आई प्लस जे कैप राइट। अब हमें बेसिकली क्या करना होता है, ये वेक्टर कॉम्पोनेंट पूछ रहा है, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड आया, तो ये किसकी डायरेक्शन के अलोंग है, इसकी डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसकी यूनिट वैक्टर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वैक्टर होता है वैक्टर डिवाइडेड बाय वैक्टर्स मैग्नीट्यूड राइट, तो ये हो जाएगा 5/2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। आई होप आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता होगा, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड राइट, तो उसका मैंने यूज कर लिया और ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया। एक और तरीके का प्रोडक्ट है जिसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ए और बी अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं है, 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या कर लो, आई कैप के सामने एक ब्रैकेट बना लो, माइनस जे कैप के सामने एक ब्रैकेट बना लो, और प्लस के कैप के सामने एक ब्रैकेट बना लो। अब कुछ नहीं है, आपको तलवार चलानी है बस, केवल और केवल। जैसे आई कैप के लिए ब्रैकेट को फिल करना है, तो इसको और इसको छोड़ दो, इधर से तलवार चलाओ, इधर से तलवार चलाओ, तो ये आ जाएगा ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे कैप के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको और इसको, इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, इधर से इधर तलवार चलाओगे तो ए एक्स बी जेड आएगा, और इधर से इधर तलवार चलाओगे तो ए जेड बी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे के कैप के लिए फिल कर सकते हो राइट, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी ना हमारे पास में, तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आपको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए, दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, जो कि आपको करनी आनी चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना, आई कैप पॉजिटिव माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और फिर ब्रैकेट को फिल करना मैंने बता दिया। आपके पास अगर अपना कोई मेथड हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट ये चीज आपको आनी चाहिए। दो सिमिलर वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, या यूं कह लो कि दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है अगर वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड अपॉन बी जेड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये पैरेलल को चेक करने का तरीका है। तो अब आपके पास में दोनों तरीके आ गए, पैरेलल भी चेक कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां देखते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, मैंने बताया था सिमिलर वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। I क्रॉस J करोगे तो K मिल जाएगा, J क्रॉस K करोगे तो I मिल जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, I, J और K। अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो आपको वेक्टर मिलते जाएंगे, इसका इसका करोगे तो ये, इसका इसका करोगे तो ये, इसका इसका करोगे तो ये, और अगर घड़ी की दिशा के उल्टे जा रहे हो तो फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा राइट, तो यहाँ पे सब जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे के कैप है तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस, माइनस साइन लगा लेना, ठीक है ना, तो ये इससे आपको ध्यान रह जाएगा। कहाँ यूज होता है, वैसे तो अपन टॉर्क वगैरह निकालेंगे तब इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बट बेसिकली अभी इस लेवल पर आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो अगर उसकी दोनों साइड्स आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स आपको किसकी फॉर्म में दे रखी हो, वेक्टर की फॉर्म में दे रखी हो, सो दैट्स वेयर दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल राइट। तो वेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी अभी एक्वायर करी है, उसको अब अपन एक हथियार की तरह यूज करेंगे थ्रू आउट फिजिक्स, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं रियल फिजिक्स, यानी कि रियल फिजिकल फिनोमिना, एंड सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल फिनोमिना है मोशन, चारों तरफ दिखाई देती है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं, और उन्हीं क्वांटिटीज के डिफरेंस के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं।
जैसे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ से गुजर सकते हो और हर पाथ की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो हमेशा यूनिक होगा, राइट। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर अपने डायरेक्शन चेंज नहीं रहा तो फिर डिस्टेंस केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। बट अगर आपका पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो फिर ध्यान रखना डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव करता है ना तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग, ये ध्यान रखना, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चंस देख लो इसके ऊपर। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड्स, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा सर्कुलर पाथ है, मान लो आपका पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, 40 सेकंड के अंदर एक राउंड पूरा कर लेता है, अब 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, 2 मिनट का मतलब हो गया 60 और 60 120 सेकंड, और 20 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 140 सेकंड है, तो 140 सेकंड अपन चलाते हैं। तो पहले 40 सेकंड में वो यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, दूसरे 40 सेकंड में फिर वो वापस यहां से यहां आ जाएगा, तीसरे 40 सेकंड में फिर वो वापस यहां से यहां आ जाएगा, 120 सेकंड चल चुका है, और बाकी के जो 20 सेकंड बचे हैं उसमें वो कहां पर आ जाएगा, आपका इस जगह पर आ जाएगा, मैंने पाथ बताया, ठीक है ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में आपका पार्टिकल यहां था और अल्टीमेटली कहां पर मिला, यहां पर मिला। तो डिस्टेंस तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिया और चौथा राउंड हाफ रहा। एक राउंड के अंदर डिस्टेंस होती है 2πr, तो 3 राउंड के अंदर हो जाएगी 3 × 2πr, दैट इज 6πr, और फिर आधी डिस्टेंस हो जाएगी πr, तो 7πr तो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। और ऐसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो यहां से लेके यहां पे आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। ज्यादा कुछ गणित लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस यूज करो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 2r के इक्वल हो जाएगा। देखना है, देखना, फिजिक्स को देखना स्टार्ट कर दोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अ व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट p, इफ व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट p। तो ध्यान रखना, एक व्हील जो है अगर वो विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर वो अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर जाता है, तो आधे के अंदर आधी सर्कमफ्रेंस के इक्वल करेगा, यानी कि यहां से पाई आर डिस्टेंस के ऊपर आपको दिखाई देगा आपका व्हील, जब आप आधा राउंड जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और ये जो पॉइंट पी है, यहां नहीं है ये पॉइंट, यहां पर है, राइट, ये पॉइंट पी जो है वो आधे राउंड के बाद में कहां पर जा चुका होगा, यहां पर जा चुका होगा। अब आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया है आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी, वरना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा गया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यहां से सीधा इसको मिला दो, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है पाई इंटू आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है दैट इज 2r, और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, आपको ये डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकल के आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r2, आर स्क्वायर को बाहर ले लो तो पाई, ये यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको और आप आसानी से आंसर रख सकते हो। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी थी कि हाँ यार एक व्हील एक रोटेशन के अंदर अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि एवरेज, जब भी आप रेट निकालते हो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों रेट्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रेट जो है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकती है, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज हम हमेशा कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस अपन कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप पूछोगे, तो जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा होगा टाइम की फॉर्म में
उसका आप डिफरेंशिएशन कर देना और उसमें जिस भी टाइम पर आपसे पूछी गई है वेलोसिटी उस टाइम की वैल्यू रख देना, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या बराबर हो सकती है, कारण क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होती है या ज़्यादा होती है, राइट। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ v1 एंड सेकेंड हाफ विथ v2, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं 2s, तो यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगेगा t1 वो तो कितना हो जाएगा s डिवाइडेड बाय v1, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा t2 वो हो जाएगा s डिवाइडेड बाय v2। टोटल टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, s कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो एवरेज स्पीड होती है राइट वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज s अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s से s कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 LCM लोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है। जब इक्वल डिस्टेंस को आप अलग अलग स्पीड से मूव करवा रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकाली जाती है। और अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सिमिलर सा ही है। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ इंटरवल एंड विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकंड हाफ इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। तो आपके पास टाइम सेम है, फर्स्ट हाफ इंटरवल, ठीक है, तो t टाइम के लिए चल रहा है और फिर आगे t टाइम के लिए चल रहा है, बट यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो v1 मल्टीप्लाइड बाय t होगी और यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो v2 मल्टीप्लाइड बाय t होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, v1 प्लस v2 टाइम्स t, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसकी वैल्यू आप रख दोगे v1 प्लस v2 टाइम्स t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा 2t, सॉरी राइट, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t, t से t कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों कंडीशंस अपने दिमाग में बैठा लो, जब इक्वल डिस्टेंस के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो, और जब इक्वल टाइम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो ये, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टी, या एक्स दे रखा है तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दो। कई बार आपको जो एक्सेलरेशन है वो किसकी फॉर्म में दे दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। ध्यान दो, वी अगर टी की फॉर्म में दे रखा हो तो ये, वी अगर एक्स की फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सारे क्वेश्चन जो है वो इसी के बेसिस पे हो जाएंगे। अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्वेश्चन ही एक तरीके से ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है राइट, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो आपने वैसे यूनिफॉर्म बता दी और डायरेक्शन आप चेंज करने नहीं दे रहे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करवा रहे हो। एंड इफ अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ कर्व्ड पाथ, जैसे सर्कुलर पाथ के ऊपर सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, उस केस में एक्सेलरेशन हो सकता है क्या हो जाए, नॉन जीरो जाए, होगा ही राइट। तो ये कई बार ये वाले जो पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन तो आप यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन उस पूरी की पूरी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। सबको पता होगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे कोई सी भी चार क्वांटिटीज का ग्रुप बना के आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। जैसे क्वेश्चन में आपको v दे दिया जाए, u दे दिया जाए, a दे दिया जाए और पूछा जाए टाइम कितना होगा, तो आपको पता है कि v, u, a और t इसी इक्वेशन में आ रहे हैं, वैसे s, u, a और t इसी इक्वेशन में आ रहे हैं, और वैसे v, u, a और s इस इक्वेशन में आ रहे हैं, तो आप उस परमिटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। क्वेश्चन में अभी अपन देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड राइट, नॉट इन n सेकेंड। एन तो हो गया शुरू से लेके एन तक, और एन का मतलब हो गया एन माइनस वन से लेके एन तक का राइट, तो ये हो जाएगा यू प्लस हाफ ई टाइम्स टू एन माइनस वन। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको यू भी निकाला जा सकता है, यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू इंटू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टी राइट। खैर, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करोगे, जैसे वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, ए इज इक्वल टू
वी डीवी बाय डीएक्स, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के दो केसेस हो सकते हैं। वैसे अगर आपको वेलोसिटी दे दी जाए और एक्स पूछा जाए तो आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे, उल्टा काम। अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए और चेंज इन वेलोसिटी पूछा जाए तो आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। सो दिस इज वेरी कॉमन, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं जिसको मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर यूज करना सिखाऊंगा, बट एज अ पॉइंट आपको अपने दिमाग के अंदर इसको फीड कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज वी इज इक्वल टू ए रूट एक्स, वेयर ए इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। Assuming that at moment t is equals to 0, the particle was located at the point x is equals to 0. The time dependence of the velocity and the acceleration on the particle. तो देखो आपको v कितना दे रखा है, a root x दे रखा है। v किसकी फॉर्म में दे रखा है, x की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन आपको पता होगा v को अपन लिख सकते हैं dx divided by dt, so this will be equal to a root x. अब हमारे पास में root x को इधर ले आएंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो एक differential equation बन जाएगी, dx divided by root x and a times dt. अब हम इधर भी integration कर सकते हैं, इधर भी integration कर सकते हैं। Time 0 से लेके t तक जा रहा है, और जब t is equal to 0 था तो x भी 0 था, यहां से लेके x तक जा रहा है, 1 upon root x इसका integration। तो आपको पता है root x का जो differentiation होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए बोला था। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, रूट एक्स होगी फ्रॉम 0 टू एक्स। यहां पे ए कॉन्स्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, t फ्रॉम 0 टू t। तो ये बन जाएगा 2 x रखेंगे तो रूट एक्स, 0 रखेंगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और यहां पे आ जाएगा dt। तो x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर कर देंगे भाई, रूट एक्स हो जाएगा at डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो एक काम तो हमारा निपट गया कि वेलोसिटी जो होगी वो टाइम की फॉर्म में पूछी थी वो तो हमने बता दी कितनी हो जाएगी, a रूट एक्स, रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, तो ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, पहला काम हमारा निपट चुका है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम। तो अब हमारे पास वी टाइम की फॉर्म में आ चुका है, तो एक्सेलरेशन जो होगा मैं कैपिटल ए लिख देता हूं क्योंकि स्मॉल ए इन्होंने यूज कर रखा है, वो सिंपली डी वी डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ध्यान रखो एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर्स ऑफ द पाथ, ठीक है। तो देखो एस मीटर्स को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो हम एक्स की जगह रख देंगे एस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4s डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, 4s डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 रूट एस डिवाइडेड बाय ए, 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, और s बेचारा ठीक है रूट के अंदर फंस गया, रूट एस रह जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा, ध्यान दो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के अंदर कितना टाइम लगेगा, इतना। तो एवरेज स्पीड जो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो थी वो किसके इक्वल थी, आपने बोला था सर टोटल डिस्टेंस दैट इज एस एंड टोटल टाइम दैट इज 2 रूट एस, और डिवाइडेड बाय ए है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ए रूट एस डिवाइडेड बाय 2। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वेलोसिटी इज नॉट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ राइट डिस्प्लेसमेंट पोजिशन। तो आपको पहले टाइम के फॉर्म में लाना पड़ रहा है और फिर पूरा का पूरा काम करना पड़ रहा है, राइट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, रैंक डिसाइड करने वाले होते हैं, और आई होप आप में से बहुत सारे रैंकर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट अ टाइम द डिस्टेंस एक्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ इज गिवन बाय दिस। तो एक्स किसकी फॉर्म में दे दिया गया है, टाइम के फॉर्म में दे दिया गया है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट इसको पकड़ो,
कमिंग टू रेस्ट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी का जीरो हो जाना, यानी कि dx by dt का जीरो हो जाना। x हमें दे रखा है 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो आएगा, 60 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस 3t स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, 60 को उधर ले जाएंगे तो 6 इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1 सेकंड। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर आपका पार्टिकल क्या आ रहा है, रेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सो पार्टिकल विल ट्रेवल फॉर 1 सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और अगर डिस्टेंस पूछता या डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो भी हम निकाल लेते, यहां पे t इज इक्वल टू 0 रख देते, फिर t इज इक्वल टू 1 रख देते, राइट, और फिर वहां तक के अपन टोटल डिस्टेंस निकाल लेते, राइट। खैर आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट एज a इज इक्वल टू 2s प्लस 1। ध्यान दो, एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में दे दिया गया है, आपकी बार 2s प्लस 1 की फॉर्म में दे दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तो हम फंस गए, तो हम एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, वी डीवी बाय डीएस। ध्यान दो, जब वेलोसिटी और टाइम के बीच का विवाह हो रखा होता है तो ए यूज किया जाता है डीवी बाय डीटी, और जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का विवाह पूछा जा रहा है हमसे तो हम यूज करेंगे ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएस। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 2s प्लस 1, डीएस को अपन उधर भेज देंगे तो वी डीवी इज इक्वल टू 2s प्लस 1 टाइम्स डीएस। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसने कह दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, जब s 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, जब s था तब ये कितना हो गया, v हो गया। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन, 0 से v लिमिट रख देंगे। यहां पे दो इंटीग्रेशन होंगे, 2 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1 इनटू ds करेंगे, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, लिमिट रखना बाकी है 0 से लेके s तक। खैर ये जस्ट केवल फॉर्मेलिटी है, यहां पे बचेगा v स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, s स्क्वायर प्लस s, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 s स्क्वायर प्लस 2s अंडर रूट। सो दिस इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन पूछा गया था तो वो हमने बड़ी आसानी से दे दिया, बट यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूज करी जो मैंने आपको बता दिया। तो चौकन्ना रहना है आपको इस तरीके की चीजों के बारे में। टू कार्स स्टार्ट ऑफ अ रेस विथ वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक का यू वन दे रखा है 4, इसका यू टू दे रखा है 2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, गलती कर देंगे, इससे बढ़िया अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। U1 दे रखा है 2 एंड U2 दे रखा है 4। एक्सेलरेशन A1 दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन A2 दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दो, जिसकी स्पीड कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम। तो पॉसिबिलिटी है अभी भी इसके पास कि इसको क्या कर सकता है, चेज कर सकता है, वैसा ही शायद कुछ क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम, टाइम सेम रखना है अपनों को। तो यहां पे भी टाइम टी हो गया, यहां पे भी टाइम टी हो गया, और लेंथ सपोज करो इसने एस वन ट्रेवल करी होगी और इसने एस टू ट्रेवल करी होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। तो यहां पे बेसिकली जो पाथ है उसकी लेंथ भी हमें क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो अपन यहां से एस वन एस टू को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो करामात U, A, S और T, इक्वेशन लगेगी S इज इक्वल टू यू टी यानी कि 2 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ A दे रखा है 2 और टाइम्स T स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा S इज इक्वल टू यू टी यानी कि 4 इंटू टी प्लस हाफ A दे रखा है अपनों को 1 इंटू टी स्क्वायर। हमें S निकालना है तो कैसे भी करके हमें क्या करना पड़ेगा, T को गायब करना पड़ेगा, और t को गायब करने का तरीका यही है कि आप t की वैल्यू निकाल लो पहले फिर उसकी वैल्यू रख देना। तो यहां से आ जाएगा 2t प्लस t स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 4t प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 4t, यहां पे बचेगा 2t स्क्वायर, यहां पे बचेगा 8t
और यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो टू टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा, एक टी स्क्वायर बच जाएगा। इसको इधर लाएंगे माइनस एक टी और प्लस फोर टी, यानी कि माइनस का फोर टी बच जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी टाइम्स टी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों शुरू में साथ साथ चले थे, और टी इज इक्वल टू फोर, या फिर टी इज इक्वल टू फोर पर जाकर वो वापस एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, राइट। खैर t इज इक्वल टू फोर पर चलते हैं, t इज इक्वल टू फोर पर डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 इंटू फोर प्लस 2 से तो 2 कट ही गया था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 इंटू फोर करेंगे तो 8, और 8 प्लस 16 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 24 मीटर्स। तो आफ्टर 20 अगर पाथ के लेंथ 24 मीटर है तो दोनों साथ साथ रेस स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली 24 मीटर पर साथ साथ पहुंचेंगे। इसको देखते हैं, A train traveling at 20 km per hour is approaching a platform. A bird is sitting on a pole on platform. When the train is at a distance of 2 km from the pole, brakes are applied which produces a uniform deceleration in it. At that instant, the bird flies towards the train at 60 km per hour and after touching the nearest point on the train, flies back to the pole and then flies to the train. और ये continue चलती रहती है और ultimately train, हालांकि इसमें दे नहीं रखा, question का एक part है कि train आके pole पर क्या हो जाती है, stop हो जाती है। तो आपको बताना है कि बताओ कितनी डिस्टेंस जो बर्ड है वो कवर कर लेगा। क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बड़ा ही आसान है। यहां पे आपकी ट्रेन है और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यहां से पोल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और इस पोल के ऊपर बैठे हैं अपने भाई साहब बर्ड, ठीक है। ये इधर जा रही है, इसके ऊपर ब्रेक लगाए जा चुके हैं, ये धीरे धीरे रुक रही है और पोल तक पहुंच रही है और यहाँ पे ये अपनी अलग ही मस्ती में मस्त है, ये इधर जा रहा है फिर वापस इधर आ रहा है फिर इधर आ रहा है, फिर इस तरीके से चल रहा है, राइट। तो बर्ड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप देखोगे बर्ड का पाथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन जब पोल तक पहुंचेगी, फाइनली स्टॉप हो जाएगी, तब तक उसको टाइम कितना लगेगा, यानी कि हमें यू दे दिया गया है 20, हमें टाइम निकालना है, हमें पता है फाइनली ये स्टॉप हो चुका है तो वी कितना हो गया, जीरो हो गया, और डिस्टेंस हमें पता है कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये स्टॉप हो गया, 2 किलोमीटर पर जाकर ये स्टॉप हो चुका है। तो एस यू वी और टी अगर हमें दिए जाएं तो इनके बीच में रिलेशन कौन सा हुआ करता था, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी, खत्म। हमारे पास में टी है, निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स एस कितना है 2 किलोमीटर, यू 20 और v कितना है 0, ये 2 और 2 4 और 4 से 20 चला जाएगा तो 1/5 आवर्स आ जाएंगे। इतने टाइम में आपकी ट्रेन जो है वो फाइनली पोल पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। अब आप नोटिस करो, आपसे पूछा कि डिस्टेंस, तो ट्रेन जो बर्ड है वो सेम स्पीड से इतने टाइम तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सेम स्पीड से, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंपली स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो बर्ड की स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, भाई साहब बड़ा खतरनाक बर्ड है, राइट। तो 60 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, सिंपली इसकी स्पीड उठाओ और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से, 12 किलोमीटर। ये जो पागल पक्षी है वो एक अपनी अलग ही धुन के अंदर 12 किलोमीटर उड़ लेगा फ्री फोकट के अंदर, राइट। सो अगेन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग बट यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, राइट। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी According to equation x is equal to this, the acceleration of the particle is proportional to. तो हमें x दे रखा है 1/t+5, कुछ नहीं है, dx/dt जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/something है, 1/something का डिफरेंशिएशन होता है 1/something का स्क्वायर, 1/x का माइनस 1/x² होता है ना, और फिर d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर आप निकालोगे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, देखते हैं देखें, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस टू बनेगा, तो माइनस से माइनस टू पावर टकराएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस टू हो जाएगी, और यहाँ पे टी प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री हो जाएगी, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/t+5 की पावर 3, ठीक है, आप कर लेना, ये डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि एक तो जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस, ध्यान दो ये 1/t+5 क्या है, x है, तो इसको यूं भी लिख सकते हो 2 times x³, तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है भाई साहब, वो हमारा ऑप्शन नहीं है। अब अपन चलते हैं वेलोसिटी के पास में, वेलोसिटी कौन थी 1/t+5 का स्क्वायर,
तो अब देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 1 अपॉन t प्लस 5 का स्क्वायर, हमें पावर अल्टीमेटली कितनी बनानी है, 3 बनानी है, तो का स्क्वायर की पावर 3/2। देखो वापस से वही आ जाएगा, 1 के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 3/2 और 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से कौन सी चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। एट माइनस साइन और लगा दो अपनी तरफ से, माइनस आप लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स वेलोसिटी की पावर 3/2। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की पावर 3/2 के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है बट घुमा दिया गया है, और इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि मोशन जो है वो बहुत पुराना टॉपिक है और उसके ऊपर घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं आते आजकल, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, वेयर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड्स, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग द एक्स डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस से क्या निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड यानी कि v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है, हमें सबको पता है, ये हो जाएगा 9 × 2 18 t और -3 t2। मैक्सिमम स्पीड, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, तो उसके लिए हम dv बाय dt निकालेंगे, dv बाय dt कितना निकल के आएगा, 18 - 60। फिर इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट कि हमें निकालना है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, फिर हमें टाइम की एक वैल्यू निकलती हुई दिखाई देगी, 18 / 6 दैट इज 3 सेकंड। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ही आ रहा होगा, राइट। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर आपका जो पार्टिकल है भाई साहब वो क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहा होगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द पोजीशन, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर पोजीशन निकाल लो, 9 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 81 - 27 करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 54 निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अगेन कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, आई होप सही होगी। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1D मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसा दिखा नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं जबकि है कुछ नहीं। आपको सर ने बताया था जब वेलोसिटी एक्स की फॉर्म में दी जाए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, वाह सर ने बताया था वी डीवी बाय डीएक्स हमें निकालना है, तो वी तो डायरेक्ट अपन रख देंगे बीटा टाइम्स एक्स की पावर -2n, और डीवी बाय डीएक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, बीटा कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर -2n है, तो -2n आ जाएगा बाहर और एक्स की पावर हो जाएगा -2n - 1। कर सकते हैं अपन ऐसा, तो ये देखो बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे बीटा स्क्वायर, और -2n को भी इसके साथ ही बिठा देते हैं अपन। अब x की पावर देखो, ये -2n, ये -2n, तो x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी -4n, और ये -1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n - 1, वाह पहला ऑप्शन ही अपना करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, if the velocity of a particle is v is equals to at plus bt square where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, to hame velocity de di gayi hai at plus bt square, hame velocity deke distance puchi gayi hai, to hum kya karte hain distance nikalne ke liye velocity ka time ke respect mein integration kar dete hain, kahan se kahan tak t is equals to 1 se leke 2 second tak, चलो करते हैं 1 से लेके 2 तक v दे दिया गया है at plus bt square times dt, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a कांस्टेंट t का हो जाएगा t square divided by 2, फिर b कांस्टेंट t square का हो जाएगा t cube divided by 3, लिमिट रखना बाकी है, तो पहले 2 रखेंगे तो a 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 2 बचेगा, प्लस b 2 का क्यूब करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 / 3, फिर माइनस, फिर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा a बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो सिंपली आ जाएगा -b/3, 2a में से a बाय 2 गया तो कितना बचेगा 3/2a बचेगा, और 8/3 में से b बाय 3 चला गया तो 8 में से 1 चला गया एक तरीके से, तो 7/3b बचेगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
3 by 2 a and 7 by 3 b, इतनी डिस्टेंस आपका पार्टिकल कवर कर लेगा. सो दैट वाज इट. आज के लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर और मोशन, खासकर मोशन के जो शुरुआती कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कंप्लीट करा है. मोशन के साथ हम थोड़े से लंबे टाइम तक रहेंगे अगले वीडियो के अंदर भी, बट वहां पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.